हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक मॉडल क्लास तैयार कर ली थी साइट यूज़र नाम की, एंड दो टेबल्स हमें और बनाने हैं। तो उसके लिए दो हम मॉडल क्लासेस बना देंगे, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो बस दो मॉडल क्लासेस और बनानी है, उसके बाद हमें अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। ओके okay. एंड अब यहाँ पे ये जो मॉडल क्लास बनाई थी उसकी फील्ड तो हमने दे दी थी, हम चाहें तो यहाँ पे फंक्शन भी दे सकते हैं। तो मैंने फंक्शन दे दिया डिफाइन, एंड दो बार अंडरस्कोर का सिंबल str, एंड फिर से दो बार अंडरस्कोर का सिंबल। ओके एंड यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं सेल्फ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल्फ मतलब ये हमारी जो मॉडल क्लास है उसको रिफ़र कर रहा है, एंड उसके बाद हमने यूज़र लिखा, तो हमारा जो यूज़र मॉडल है उसको ये रेफ़र करेगा, एंड यूज़र मॉडल के अंदर जो हमारा यूज़र नेम नाम का फील्ड होगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, ये यूज़र नेम फील्ड हमारे इस वाले टेबल में तो नहीं है, बट ये हमारे यूज़र टेबल के अंदर बना हुआ है जो कि जेंगो हमें पहले से प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका यूज़ भी मैं आपको दिखा चुका हूँ और भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब हम जेंगो के डैशबोर्ड में देखेंगे जाके, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने रिटर्न करवाया तो उसको हम कहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाएगा तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसके बारे में और बताऊँगा अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे आप मेरा एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट वाला अगर प्रोजेक्ट देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसी को करते हैं कॉपी, एंड दो मॉडल क्लासेस और बना लेते हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, एक हम बना लेते हैं कॉन्टेक्ट नाम का टेबल, एंड एक बना लेंगे सर्विसेस नाम का टेबल। तो पहले सर्विसेस मॉडल क्लास बना लेते हैं, एंड यहाँ पे मुझे फील्ड्स चेंज करनी है तो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया इसका। ठीक है, सबसे पहले मैं बना देता हूँ टाइटल। ठीक है, सर्विसेज में हम क्या स्टोर करेंगे, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे हम मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस दे रहे हैं तो उसमें हमारी क्या क्या सर्विसेज रहेंगी वो हम एक पेज पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो एडमिन एंटर करके रखेगा सर्विस का टाइटल, सर्विस का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी इमेज है, ये दो तीन चीज़ें हम लेंगे। ठीक है, तो टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कार शिफ्टिंग करते हैं, एंड हम कार शिफ्टिंग के अलावा जो जिस भी तरीके की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, हमारी ये सब सर्विसेज हैं, हम ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब हम इसमें स्टोर करेंगे। ओके, तो कंपनी जो भी सर्विसेज देती होगी एडमिन उसको एंटर करेगा, एंड इसको हम एक सर्विसेज वाले पेज में जाके डिस्प्ले कर देंगे। ओके, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन, जो भी सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन, एंड उसकी एक इमेज। एंड एडमिन को पता होना चाहिए कि मतलब ये जो सर्विस डिटेल उसने फिल की थी वो कब की थी, तो एक क्रिएशन डेट हम यहाँ पे रख देते हैं, क्रिएशन डेट। ठीक है, बाकी फील्ड्स को मैं यहाँ हटा देता हूँ। ठीक है, अब सबका साइज सेट कर देते हैं। टाइटल का साइज हम रख देते हैं 100 या 200। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का साइज तो ज़्यादा रहेगा, 5000 कर देते हैं। इमेज को हम कैरेक्टर फील्ड ना लेते हुए फाइल फील्ड रख देंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज क्या रहेगी, एक फाइल रहेगी, हमें फाइल अपलोड करवाना है। एंड यहाँ पे मैक्स लेंथ को हटा देता हूँ। ठीक है, क्रिएशन डेट में हम डेट रखना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो डेट है वो अपने आप जनरेट हो, जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो अपने आप जो करेंट डेट हो वो आ जाए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा डेट टाइम फील्ड। ठीक है,
डेट टाइम फील्ड मतलब मुझे डेट और टाइम दोनों रखना है, इसीलिए मैंने डेट टाइम फील्ड रखा है। एंड अपने आप डेट जनरेट हो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑटो ऑटो नाउ एड। हाँ ऑटो नाउ एड को मैं यूज़ करूँगा एंड इसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, ऑटो नाउ एड से क्या होगा कि जब भी मैं इसके अंदर रिकॉर्ड एड करूँगा तो अपने आप जो करेंट डेट और टाइम होगा वो इस फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, डेट टाइम फील्ड, हम डेट टाइम फील्ड का मतलब है हम डेट और टाइम दोनों स्टोर कर सकते हैं। अकेला मैं डेट फील्ड रखता हूँ तो मतलब उसमें केवल डेट स्टोर होगा। ठीक है, अब इसमें हम डेट टाइम स्टोर करेंगे एंड जो करेंट डेट और टाइम रहेगा जब भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो वो डेट और टाइम इसके अंदर आना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे डिफाइन str सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट कर देते हैं टाइटल। ठीक है, जो सर्विस का टाइटल होगा उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। ओके, एंड लास्ट एक और टेबल, तो इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, लास्ट एक टेबल हमारा रहेगा कॉन्टेक्ट नाम का टेबल, जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे यूज़र अगर कोई इंक्वायरी करता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे कॉन्टेक्ट के अंदर। ठीक है, अब वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड यूज़र हो, कोई भी यूज़र हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नेम, यूज़र का जो फुल नेम रहेगा वो हम स्टोर करेंगे, साइज़ इसका 100-200 जो भी देना हो, एंड उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर का साइज़ मैं दे देता हूँ 15। इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करके इनके नाम चेंज कर दूँगा। तो नेम कॉन्टेक्ट देन आफ्टर ईमेल आईडी। ठीक है, हम यूज़र कोई भी अगर कॉन्टेक्ट करेगा तो हम चाहते हैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी हमें मिल जाए, तो कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे कि मतलब किस विषय में वो क्या पूछना चाहता है, वो सब्जेक्ट रहेगा। एंड देन आफ्टर मैसेज, मैसेज मैसेज का डेट, तो यहां मैं दे देता हूं मैसेज। ठीक है, सब्जेक्ट का साइज में रख देता हूं 100। ईमेल आईडी का साइज कर देते हैं हम 100। ठीक है, नेम का साइज भी आप चाहें तो 100 कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैसेज के बाद एक हो जाएगा हमारा मैसेज का डेट, कि जो मैसेज आया है वो किस डेट को आया है। नेम कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी सब्जेक्ट मैसेज एंड मैसेज का डेट। तो मैसेज का डेट स्टोर करवाने के लिए इसका नाम मैं दे देता हूँ एम डेट एंड इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो डेट फील्ड रहेगा। ओनली मुझे डेट स्टोर करना है, टाइम नहीं स्टोर करना है, तो मैंने डेट फील्ड यहाँ पे दे दिया एंड यहाँ से मैक्स लेंथ को हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा रहेगा, ठीक है, लास्ट हम एक फील्ड बनाएंगे जिससे हम पता करेंगे कि ये जो इंक्वायरी, ठीक है, ये जो इंक्वायरी आई है वो न्यू इंक्वायरी है या ओल्ड इंक्वायरी है, तो वो हमें पता चल पाए। तो उसके लिए हम एक मतलब ये जो इंक्वायरी है वो हम रीड कर चुके हैं या नहीं रीड कर चुके हैं। ठीक है, एडमिन उसको रीड कर चुका है या नहीं रीड कर चुका है, तो एक फील्ड में बना लेता हूँ इस रीड एंड इसका साइज मैं दे देता हूँ 10। इसके अंदर मैं यस या नो स्टोर करूँगा, ठीक है, यस या नो स्टोर करूँगा, तो मुझे इसका ज़्यादा साइज की ज़रूरत नहीं है, 10 रख देता हूँ। अगर इंक्वायरी न्यू है तो उसको मैं रख दूँगा इस रीड के अंदर, मैं नो स्टोर करवा दूँगा एंड इंक्वायरी को अगर रीड कर चुके हैं तो इस रीड के अंदर मैं यस स्टोर करवा दूँगा। ओके, एंड रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट नेम।
ठीक है, जिसने भी इंक्वायरी किया है उसका नाम यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं। कोई भी एक फील्ड हम डिस्प्ले कर सकते हैं या प्लस लगा के मल्टीपल फील्ड को कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं। ओके, तो इतना तो कर ही देते हैं। अब इसमें अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो वो हम बाद में करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मुझसे यहाँ पे कोई गलती हुई हो कि मैंने कोई फील्ड में कोई फील्ड यहाँ मिस कर दी हो या कुछ साइज वगैरह मुझे चेंज करना हो, या आई थिंक 3 टेबल से ज़्यादा तो यूज़ नहीं होंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम इसमें लगती है तो वो हम बाद में भी करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये 3 टेबल हम चाहते हैं क्रिएट हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए पहले तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको माइग्रेट कमांड चला के हम चाहते हैं ये डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएं। तो मैंने लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, पहले माइग्रेट करना पड़ेगा आई थिंक, एंड हम ऐप का नाम भी पहले सेट कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं settings.py में हम अपनी ऐप का नाम यहाँ पे दे देते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। तो हमारी जो ऐप हमने बनाई थी, मतलब ये जो फोल्डर था हमारा मूवर्स पैकर्स प्रोजेक्ट के अंदर जो ऐप था उसका नाम था मूवर्स पैकर्स। ओके, मूवर्स पैकर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाके एक बार कमांड चलाते हैं। पहले तो मेक माइग्रेशंस फिर से करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, नो मॉड्यूल फाउंड, यहाँ पे कॉमा भी नहीं लगाया हमने। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या आ रहा है, कास्केड मिसिंग 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दी है शायद। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, शायद कुछ मिस्टेक है। ओके, एक हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है। नहीं नहीं ओके, ये फंक्शन नहीं है, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा ब्लैंक देना है, मॉडल्स डॉट कास्केड, कोई मतलब ब्रैकेट्स वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि सेटिंग्स डॉट पी वाई में आप अपनी ऐप का नाम लिख दें एंड उसके बाद आप कमांड चलाएं। ठीक है, और वहाँ पे वो ब्रैकेट हटा देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2-3 हमने टेबल बनाए थे, कॉन्टेक्ट सर्विसेज साइट यूज़र, एंड अब हमें करना है माइग्रेट। एंटर करते हैं, तो जो भी हमने क्लासेस बनाई उसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। हमारा डेटाबेस यहाँ पे रहेगा एसक्यूएलआईट डेटाबेस, और एसक्यूएलआईट से MySQL में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप मेरे जेंगो इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे हम एसक्यूएलआईट से MySQL में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप चाहें तो MySQL अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप मेरे उस वाले वीडियो को देख लें जेंगो इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके। ओके, सो फ्रेंड्स, ये 2 टेबल भी क्रिएट हो चुके हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।